राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा संपादित एवं प्रकाशित संक्षिप्त संस्करण के पाठों का ध्वन्यांकन। प्रस्तुत है पाठ अध्याय 4। युगों का दौर, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाख्त्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई और उन्हें खदेड़ दिया गया। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। इस लेख का अनुवाद इस तरह किया गया है। देवताओं के देव वासुदेव यानी विष्णु के इस गरुड़ स्तंभ का निर्माण दिया के बेटे तक्षशिला निवासी हेलियोदोर ने किया। हेलियोदोर यूनान के महान शासक एंटियासिदास के राजदूत के रूप में यहां के परम रक्षक भागभद्र के राजा काशीपुत्र के यहां उनके राज्यकाल के 14वें वर्ष में आया था। तीन शाश्वत सिद्धांत जिनके भली भांति पालन से स्वर्ग मिलता है, आत्म संयम, आत्म त्याग यानी दान और सत्य निष्ठा है। मध्य एशिया में शक या सीदियन यानी सीस्तान या शकस्थान लोग ऑक्सस यानी अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। युईची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युईचियों में एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। ये शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप
कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, जिसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी और तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी जिसके निकट था, बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहां भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, युईचियों, ईरानियों, बाख्त्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थीं। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहां चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो बहुत पसंद आने वाले तोहफे मिले, उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूरफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। कश्मीर इस साम्राज्य के केंद्र के निकट था और उसमें भरपूर विवाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा यानी वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था और वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को अपनी मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहां घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन अब पुराना आत्मविश्वास समाप्त हो रहा था और इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से भारत एक खोल के भीतर सिमटता दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ये खोल काफी गहरा और चौड़ा था। आरंभ में जिस जमाने में आर्य यहां उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या ये थी कि इस नई जाति और संस्कृति और इस देश की पुरानी जाति और संस्कृति के बीच
समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने अपना ध्यान इस समस्या को हल करने में लगाया और उसने मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहां आए और जज्ब होते गए। उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। गर्चे व्यापार और अन्य कारणों से भी दूसरे देशों से भारत का अनेक रूपों में संपर्क हुआ, लेकिन वह अपने मामलों में ही डूबा रहा। बाहर क्या हो रहा है इस पर उसने कम ध्यान दिया। लेकिन अब समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह अब इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या जिसे बाद में व्यवहार में आने वाले शब्द द्वारा हिंदूवाद कहा जा सकता है, इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसकी अपनी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि भी थी। उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। जहां के प्रसिद्ध विद्वानों और संतों ने इस मत का प्रचार किया था। पर बौद्ध धर्म मूल रूप में अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। वह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था और उन्हें व्यापक ढांचे में लगातार आत्मसात करता जाता था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी, जैसा कि प्रायः शक्ति बढ़ जाने पर होता है। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें तेजी से यह साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गईं। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर लगभग 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष और उनके उत्तराधिकारी राज्य करते रहे, पर वे अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में उसी तरह बड़ी लूटमार की जिस तरह एटिला यूरोप में कर रहा था। उनकी बर्बरता और पैशाचिक क्रूरता ने आखिर लोगों को भड़का दिया और यशोवर्मन के नेतृत्व में दुर्भिसंधि के तहत उन पर संगठित होकर आक्रमण किया गया। हूणों का बल टूट गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना लिया गया।
लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने अपने देश की रीति के अनुसार उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इस व्यवहार का ये बदला दिया कि लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। लेकिन उत्तर भारत में हूणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार सातवीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने किया, जिन्होंने इसके बाद उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का था, जो अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या युआन चुआन भारत आया था, 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था और उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया था। उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में तेजी से फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। अभी आप सुन रहे थे पाठ, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, संपादन और अनुवाद निर्मला जैन, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।